हेलो फ्रेंड एंड वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल माई दैट है। तो फायरबोल्ट ने एक और धमाकेदार स्मार्टवॉच लॉन्च कर दिया जिसका नाम है फायरबोल्ट वॉक। तो अभी तक हम जो थे लग्जरी एडिशन के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करते थे, लेकिन अब जो है काफ़ी बजट में स्मार्ट वॉच हो रही है। इसका प्राइस आपको बाद में बताऊंगा और फीचर्स इतने सारे हैं, वीडियो ऐसा लग रहा था पता नहीं कहाँ जाके खत्म होगा, फीचर्स बताते बताते थक गया। तो कुछ हमने अगर फायरबोल्ट नेटवर्क देखे तो कुछ उस तरीके का यूआई है जो कि फीचर से भरपूर था। वीडियो के अंत तक जरूर देखना ताकि आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना कर दे। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। डिस्प्ले की बात करें दोस्तों, इसमें 2.01 इंचेस का एचडी डिस्प्ले देखने को मिलता है, हाई रिजोल्यूशन वाला 428x518 पिक्सल के सुपर रिजोल्यूशन के साथ में, और बॉर्डरलेस डिस्प्ले ऑलमोस्ट 95% से ज़्यादा स्क्रीन टू बॉडी रेशियो इसमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ काफ़ी अच्छा काम किया फायरबोल्ट ने। उसके बाद अगर हम इसकी बाकी की लुक्स देखें तो साइड में एक फिजिकल बटन मिलता है जो कि फंक्शनल क्राउन बटन है, और एक पुश बटन देखने को मिल जाता है फ्लैट सा। उसके बाद दूसरी साइड में जो है आप स्पीकर वेंट देख सकते हैं, यहाँ पे स्पीकर देखने को मिल जाता है। बैक इसकी ग्लॉसी फिनिश में हमें देखने को मिल जाती है, बिल्कुल एप्पल लुक लाइक है बिल्कुल पीछे अगर हम देखें तो। उसके अलावा स्ट्रैप की बात करें तो 44mm का रिप्लेसेबल मेटल स्ट्रैप है, सिलिकॉन भी लगा सकते हैं। वेट की बात करें दोस्तों तो इसका वेट निकल के आता है जस्ट 69 ग्राम्स, और पहन के देख लेते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगते हैं क्योंकि एच टू एच डिस्प्ले होने से बहुत ही फर्क पड़ जाता है। ट्रैप भी काफ़ी सही है इसका, बिल्कुल स्किन पे चिपक ही जाता है और इसमें बाल बाल नहीं फंसने वाले ऐसा लग रहा है अभी तक तो। वैसे इस हाथ पे तो बाल है भी कम मेरे असिस्टेंट के आते हैं। और उसके बाद बात करते हैं रेजिस्ट टू वेकअप के रिस्पॉन्स की, तो वो भी यहाँ काफ़ी शानदार देखने को मिल जाता है। देखिए हल्का सा रिस्ट मूव करते ही डिस्प्ले ऑन हो जाता है। पेयरिंग के लिए देखिए आपको FB एक्टिव एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है और वॉच यहाँ पे सर्च हो जाएगी फायरबोल्ट 131, क्लिक करते ही पेयर हो जाती है फटाफट से। नोटिफिकेशन इसमें आपको मोबाइल की सारी ऐप्स के देखने को मिल जाएंगे, तो वहाँ भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, जो ऐप चाहे आप लगा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं बाकी गेमिंग के ऑप्शन आते हैं तो काफ़ी सारी गेम्स हमें देखने को मिलते हैं, आगे आपको दिखाऊंगा। हार्ट रेट मॉनिटर, हेल्थ रिमाइंडर, तो बाकी सारे ऑप्शन आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट्स वगैरह सब यहाँ पर आप जाके सेव कर सकते हैं। ब्राइटनेस देखिए इसमें जो है स्पेसिफाई नहीं किया है कितने निट्स के, लेकिन 450 से 500 निट्स के ब्राइटनेस में आराम से देखने को मिल जाएगी, काफ़ी क्लियर है इसकी आउटडोर विजिबिलिटी। उसके बाद अगर हम डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो वॉच आती है IP68 पे, मतलब यहाँ भी काफ़ी अच्छा काम किया है, 1.5 मीटर तक गहरे पानी में इसको लेके जा सकते। डिस्प्ले देखो बड़ा मज़ेदार लग रहा है, पूरा एच टू एच ऑलमोस्ट। फीचर्स की बात करें ऊपर से नीचे स्वाइप करते पूरा कंट्रोल सेंटर आया था, सेटिंग्स, मेन्यू स्टाइल्स, बैटरी, उसके अलावा अलार्म है, नोटिफिकेशंस है, वाटर है मतलब आप स्पीकर में से पानी निकाल रहा हो तो ऑप्शन है, स्पोर्ट्स मोड एंड DND का शॉर्टकट, फ्लैश लाइट है। ऊपर को स्वाइप करते हैं तो आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, एक बार में 10 के करीब नोटिफिकेशन इसमें आ जाते हैं तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। जनरली हमें 5 के करीब वॉचेस में देखने को मिलता है फायरबोल्ट की। और जब लेफ्ट को स्वाइप करते हैं तो पूरे दिन की एक्टिविटी डिटेल्स, स्लीप का डेटा, हार्ट रेट मॉनिटर और बाकी एड विजेट्स। तो जब आप यहाँ पे जाएंगे तो बाकी के शॉर्टकट्स भी जो है आप लगा सकते हैं जो भी आपको चाहिए होगा। उसके बाद आप राइट को स्वाइप करते हैं तो स्प्लिट स्क्रीन आ जाती है, यहाँ पे रीसेंट ऐप्स के शॉर्टकट आपको देखने को मिल जाते हैं, तो जो आपने लास्ट ऐप यूज़ की हुई आप यहाँ से दोबारा से ही जो है यहाँ से लाके यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बटन दबाते हैं तो मेन मेन्यू आ जाता है, एक्टिविटी डिटेल्स, स्लीप का डेटा, हार्ट रेट, तो ECG ब्लड प्रेशर भी है, इस पे विश्वास मत करना। बाकी SpO2 आ जाता है, SpO2 की रीडिंग्स थोड़ी बहुत ही रिलायबल होती है। स्पोर्ट्स मोड है, म्यूजिक कंट्रोल, कैमरा कंट्रोल, वेदर अपडेट, डायल पैड, वॉइस असिस्टेंट, अलार्म में जाते हैं तो अलार्म के अंदर आप लगा नहीं सकते इसको, तो आपको मोबाइल ऐप में जाके ही लगाना पड़ेगा। ब्रीथ मोड है, कैलकुलेटर है, टाइमर आ जाता है, स्टॉप वॉच आ जाती है, माई कार्ड मतलब QR कोड्स वगैरह सेव कर सकते हैं, फ्लैश लाइट, थीम आ जाती है, मतलब यहाँ पे 8 UI स्टाइल्स है और आपको लगा के ही पता चलेगा यार कौन सा UI स्टाइल कैसा है। नोटिफिकेशंस आ जाते हैं, फीमेल पीरियड मतलब फीमेल साइकिल ट्रैकर, गेम्स आ जाती हैं तो गेम्स आपको मोबाइल ऐप से जाके इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। एप्लीकेशन मार्केट में जाएंगे तो एयर प्रेशर मॉनिटर, एल्टीट्यूड मीटर जो कि आपके फोन का GPS यूज करके कोशिश करता है काफी हद तक एक्यूरेट डेटा देने की। GPS मोड में स्पोर्ट्स मोड आते हैं, थर्मोमीटर है और सेटिंग्स में जाते हैं तो वही UI स्टाइल्स आपको देखने को मिलते हैं, लैंग्वेजेस है, ब्राइटनेस आ जाती है, स्क्रीन ऑन टाइम आ जाता है इसमें तो 60 सेकंड एंड ऑलवेज ब्राइट दोनों ऑप्शन दिए गए हैं तो अच्छी खबर है। वाइब्रेशन को आप कंट्रोल कर सकते हैं, नोटिफिकेशन, रिंगटोन सेट, ये रिंगटोन सेट काफ़ी अच्छा है कि कॉल में कौन सा रिंगटोन बजाना है आपको, नोटिफिकेशन में कौन सा बजाना है और अलार्म में कौन सा बजाना है, तो अच्छी बात है कि इसमें अलार्म में भी जो है रिंगटोन बजता है वरना जनरली वॉचेज बस वाइब्रेट ही करती हैं। उसके अलावा DND मोड आ जाता है, रेजिस्ट टू वेकअप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, स्क्रीन लॉक भी है, पासवर्ड वगैरह आप लगा सकते हैं इसके अंदर। उसके अलावा टाइम सेटिंग है तो टाइम सेटिंग अगर आप करेंगे तो आप बिना मोबाइल से पेयर किए स्मार्ट वॉच को यूज़ कर सकते हैं। बैक साइड लैंप है, बाकी वही QR कोड और पावर सेवर मोड के ऑप्शन आ जाते हैं। तो आइए आपको मोशन सेंसर गेमिंग दिखाते हैं, तो इसके अंदर काफ़ी सारी जो गेम्स हमें देखने को मिल जाती हैं। अगर आपका TV आपके फ़ोन से कनेक्ट होता है तो तब आपको ज़्यादा मज़ा आएगा खेलने में, फिलहाल हम आपको मोबाइल में खेल के दिखाते हैं।
तो देखिए हमने गेम चला दी, अब जैसे हम हाथ को ऊपर करेंगे तो उसी टाइम जो प्लेयर जो है जंप करेगा, तो ये काफी अच्छी चीज है। और सेंसर जो है काफी अच्छे से काम कर रहे हैं, हल्का सा लगेगा आधे सेकंड से भी कम का, लेकिन मैनेजेबल है, आपको उस हिसाब से प्रैक्टिस हो जाएगी खेलने की, तो मजेदार चीज है, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको, उल्टा आप एंजॉय ही करेंगे इस गेम को खेल के। ये मेरी वॉच में देखिए हार्ट रेट मॉनिटरिंग में भी थोड़ी दिक्कत आ रही है, थोड़ी देर बाद है ना फेल कर देता है एक्चुअली में, ये देखिए फेल कर दिया इसने, तो मैं काफ़ी बार ट्राई कर चुका हूँ, और इसके बाद मैंने क्या किया कि मेन मेन्यू में जाके हार्ट रेट को चलाने की कोशिश करी और वहाँ पे भी वही आया, तो देखिए बार बार जो है फेल हो जाता। स्पोर्ट्स मोड नीचे वाला बटन दबाते हैं तो ऐसे GPS इनेबल स्पोर्ट्स मोड होते हैं, मतलब जिसमें कि वह फ़ोन का GPS यूज़ करती है स्मार्ट वॉच। बाकी के स्पोर्ट्स मोड जो है आपके यहाँ से जाके दिखेंगे, ये देखिए बाकी ये सारे स्पोर्ट्स मोड आ जाते हैं। 105 स्पोर्ट्स मोड इसमें हमको देखने को मिलते हैं। सबसे अच्छी बात ये कि इसमें कस्टम गोल्स का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जब आप ये दबाएंगे तो यहाँ से आप गोल सेट कर सकते हैं भाई आपको कौन से वाला गोल्स चाहिए अपना वर्कआउट करने के लिए। वॉच फेसेस में तो देखिए इसने कमाल ही कर दिया है, 500 वॉच फेसेस यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि काफ़ी सूट करते हैं वॉच के ऊपर, काफ़ी लगाने में अच्छे लगते हैं। कस्टम वॉच फेस का भी सपोर्ट हमें इसमें देखने को मिलता है, वॉच फेस काफ़ी बढ़िया है। अब आपको वीडियो वॉच फेस लगाते हैं, जिफ जैसे होती है जिफ फाइल्स मोबाइल में, उसके जैसा वॉच फेस लग जाता है। आप जैसे यहाँ इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो वहाँ जाके वीडियो में जाएंगे, कभी कभी दिक्कत आती है, कई कई वीडियो ये सपोर्ट नहीं करता, जैसे मैंने ये जो लगाई है अपनी सलमान खान वाली वीडियो, ये सपोर्ट नहीं कर रहा था देखिए, और मैसेज भी चाइनीज में आता, आपको पता ही नहीं चलेगा इशू क्या है। उसके बाद मैंने दूसरी वीडियो ट्राई करी, दूसरे रिजोल्यूशन वाली, पता नहीं अब असली प्रॉब्लम क्या थी वो मुझे नहीं पता, तो ये वीडियो मैंने ट्राई करी, तो ये वीडियो जो है उसमें लग गई थी काफ़ी अच्छे से, और जैसे हमने इंस्टॉल किया और इसको जब चलाते हैं तो देखिए ये वीडियो जो इसके अंदर आ जाती है, तो 2-3 सेकंड का वीडियो जो इसके अंदर लग जाता है, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। उसके अलावा जो है अगर हम एल्बम वॉच फेस की बात करें तो इसमें 4-5 फोटोज जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उनकी एल्बम बन जाती है उसके अंदर, और ये एक पहले मैंने ऑलरेडी लगाई हुई है आप देख सकते हैं, ये दूसरी जो है मैं ट्राई करके दिखाता हूँ आपको, जैसे मैंने एक प्राइस लिस्ट लगा दी जो मैं अमेज़ फिट की वॉच सेल करता हूँ उसकी, तो यहाँ देखिए आप बस ऐसे क्लिक करना और वो फोटो जो है चेंज होती जाएगी एल्बम वॉच फेस के केस में, तो फीचर जो है काफ़ी अच्छे हैं। कॉलिंग ट्राई करते हैं दोस्तों। हेलो हेलो, हाँ जी आवाज कैसी आ रही है मेरी? हाँ आवाज मुझे भी क्लियर आ रही है। तो दोस्तों इसमें नंबर सेव है फिर भी जो है नाम नाम लिखा आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि जो कॉन्टेक्ट वॉच में सेव होंगे उसी का नाम आएगा, मुझे एक बार एक्सेस वगैरह भी चेक करने पड़ेंगे, वरना नाम लिखा आना चाहिए था यहाँ पे। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही आवाज में, लैग हो रही है कुछ हो रही हो ब्रेक? अच्छा अच्छा, तो दोस्तों इसमें मुझे कोई वॉल्यूम का भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ये फुल पे ही आवाज़ है, तो नॉट श्योर ये कैसे चलेगा, सिर्फ रिजेक्ट करने का ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है जी, बाय बाय। नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो इंग्लिश नोटिफिकेशन इसमें 4-5 लाइन का ही आ सकता है, आई थिंक ये थोड़ी सी कम लेंथ है और ज़्यादा होनी चाहिए थी, बाकी हिंदी नोटिफिकेशन जो है इसमें आता ही नहीं है। फायरबोल्ट अपनी वॉचेस की बैटरी के लिए जाना जाता है, लेकिन इस वॉच में मजा नहीं है यार, एक दिन चलेगी मुश्किल से कॉलिंग के साथ में, और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यूज करोगे तो और कम हो जाएगी, और 2 दिन के करीब चलेगी मैक्सिमम विदाउट कॉलिंग। तो वीडियो तो आपने देख लिया होगा दोस्तों, और काफ़ी सारी चीज़ें जो इसमें निकल गई हैं स्मार्ट वॉच में, जैसे कि हार्ट रेट मेरी वॉच का जो है काम नहीं कर रहा है, सेंसर ऑन तो हो रहा था लेकिन मॉनिटर नहीं कर रहा था, बार बार फेल हो रहा था, मैंने बहुत ट्राई किया हाथों पे वैक्स करा के भी ट्राई करके देखा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा उससे। उसके अलावा UI था, मुझे लग रहा था कहीं कहीं पे लैग हो रहा, थोड़ा सा स्लो फ्लो हो रहा था, तो 60Hz जैसा आपको एक्सपीरियंस देखने को नहीं मिलने वाला इसमें। डिस्प्ले की बात करते हैं, डिस्प्ले इसका काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, काफ़ी अच्छा क्लियर डिस्प्ले, हाई रिजोल्यूशन वाला, शुरू में तो ऐसा लग रहा था यार कि AMOLED डिस्प्ले ना हो। उसके अलावा मोशन सेंसर गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, जो वॉच फेसेस थे एल्बम वॉच फेस या वीडियो वॉच फेस वो लगाने में काफ़ी अच्छे लग रहे थे। फीचर की भरमार है स्मार्ट वॉच में, उसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्टेप काउंटर की एक्यूरेसी में वही बात निकल गई, क्योंकि इसमें GPS इनेबल्ड थे और उसके लिए आपको फ़ोन पॉकेट में रखना बहुत ज़रूरी है, तो इसका जो स्टेप काउंट है वो आपके फ़ोन पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड कर रहा था, तो मैंने काफ़ी कोशिश करी कि भैया फ़ोन वोन से इसको डिस्कनेक्ट करके करूँ, लेकिन वो हिसाब बन नहीं पा रहा था, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहेगी भैया किस तरीके से स्टेप को मॉनिटर करना है आपको। तो प्राइस बता दूँ इसका दोस्तों, इस वेरिएंट का प्राइस है 2199, और अभी ये लॉन्च प्राइस है, बाद में इसका प्राइस थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, तो मेरे हिसाब से तो अगर इसके थोड़े इश्यू और रिजॉल्व हो जाए तो आप इसको जरूर चेकआउट कर सकते हैं, अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा हमें इसको होल्ड पे रखने की ज़रूरत है। हाँ, और बाकी अगर आप इन सारे इश्यूज़ के बाद काम चला सकते हैं, आपको लुक से मतलब है, वॉच फेसेस से मतलब है, क्योंकि हर सेगमेंट की देखिए अपनी रिक्वायरमेंट होती है, तो आप जरूर स्मार्ट वॉच को ले सकते हैं। बाकी सेंसर से रिलेटेड या अगर
स्टेप काउंटर वगैरह से रिलेटेड आपकी रिक्वायरमेंट है तब तो मैं रिकमेंड करने में थोड़ा सा टाइम लूंगा। तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको जानने में जरूर मदद मिली होगी कि आपको ये स्मार्ट वॉच लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में नया रिव्यू नया कंपैरिजन लेके, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। बाय बाय।